इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गति के विषय पर निर्धारित कुछ प्रश्न हल करेंगे ताकि इस विषय को हम अच्छे से समझ सके और इसका प्रयोग जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमने एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर यानी वर्टिकली अपवर्ड्स की ओर फेंका है। यदि पत्थर की गति के दौरान नीचे की दिशा में त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि ग्रेविटी है, तो पत्थर द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी होगी और ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा? उत्तर: गति की तीसरी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए एस। इसमें वी बाद की स्पीड है, यू शुरू की स्पीड है और ए एक्सेलरेशन या त्वरण है और एस डिस्टेंस या दूरी, कितनी दूरी उससे चली। हम कह सकते हैं कि सबसे ऊंचाई पे जाके बॉल रुक जाएगी या पत्थर रुक जाएगा तो उसकी गति शून्य हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं वी 0 और यू हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम तीसरी इक्वेशन से लिख सकते हैं कि 0² - 5² = 2 ए एस। अगर हमने पत्थर को ऊपर की ओर फेंका है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि हमने पत्थर को ऊपर फेंका है और जो त्वरण या जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगती है, तो इसका साइन उल्टा होगा। तो हमें इक्वेशन हल करने पर मिलता है -25 = 2 × -10 × s। तो हमें s यानी ऊंचाई मिलती है 1.25 मीटर। और हम गति की पहली इक्वेशन से कह सकते हैं कि v = u + at, जिसमें जब ऊपर जाती है बॉल तो ऊपर की तरफ गति होती है शून्य और u हमें 5 दे रखा था और a -10। तो हम लिख सकते हैं 0 = 5 + -10 × t। तो हमें t मिल जाएगा 0.5 सेकेंड। तो हमारे पास समय आ गया 0.5 सेकेंड की, 0.5 सेकेंड में वह अपनी सबसे ऊंची स्थल पर पहुंच जाएगी। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि एक कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट 42,250 किलोमीटर त्रिज्या या रेडियस के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। इसकी गति की गणना करनी है कि वह चारों ओर चक्कर लगाने में 24 घंटे लेता हो। उत्तर: अगर कृत्रिम उपग्रह का त्रिज्या है 42,250 किलोमीटर, त्रिज्या होता है रेडियस, और वृत्ताकार कक्षा की परिधि यानी सरकमफ्रेंस हुआ 2 पाई आर, जो कि 2 पाई × 42,250, तो पाई होता है 3.14। तो हम परिधि या सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं 2 × 3.14 × 42,250, तो वो बराबर होगा 26,53,300 किलोमीटर के। और चक्कर लगाने में समय लगेगा 2 पाई आर बाय वी। इसमें वी हुई सैटेलाइट की गति, तो वो हमें दे रखा है 24 घंटे। तो वी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाय 24, और हमने 2 पाई आर निकाला था जो है 26,53,300 किलोमीटर / 24, वो हमारे पास आता है 1,10,554 किलोमीटर/आवर। प्रश्न 3 है कि एक एथलीट 200 मीटर व्यास व्यास मतलब डायमीटर वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंत तक तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमें पता है कि 2 मिनट 20 सेकंड होता है 140 सेकंड के बराबर और वह एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। तो हम यूनिटरी मेथड लगाए तो 1 सेकंड में वो एक चक्कर का 1/40 गुना पूरा कर पाएगा। तो वह 140 सेकंड में कितना पूरा कर पाएगा? वो होगा 1/40 × 140, वो बराबर होता है 7/2 के, जो 3.5 के बराबर होता है। तो वह 140 सेकंड में 3.5 चक्कर पूरा कर पाएगा, यानी 3 तो चक्कर पूरे और जो चौथा चक्कर है वह आधा ही हो पाएगा। तो अगर हम दूरी निकाले तो वो होगी 3.5 × 2 पाई आर, और 2 पाई आर को हम लिख सकते हैं π × d, जो कि d है डायमीटर। तो हम लिख सकते हैं दूरी 3.5 × π d, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हम दूरी लिखेंगे 3.5 × 3.14 × 200, जो कि है 2,198 मीटर के बराबर। और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वह होगी
वृत्ताकार यानी सर्कल के डायमीटर के बराबर, जो कि है 200 मीटर। चौथा प्रश्न है कि अब्दुल स्कूल जाते समय अपने यात्रा की औसत गति की गणना करता है, जो कि होती है 20 किलोमीटर पर आवर, और उसी मार्ग में उस वापसी के समय कम यातायात होता है यानी ट्रैफिक, तो औसत गति आती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आने और जाने कुल मिला के उसकी औसत गति निकालनी है। तो इसका उत्तर है जाते समय की औसत गति है 20 किलोमीटर पर आवर और आते समय की 30 किलोमीटर पर आवर। अगर हम स्कूल तक की दूरी को डी मान ले तो पूरे की औसत गति होगी कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, तो कुल दूरी हुई 2D, क्यों आने की दूरी हुई डी और जाने की दूरी हुई डी, और कुल समय हुआ जाने का और आने का, जो कि जाने का है D/20 और आने का है D/30, तो कुल समय हो जाएगा D/20 + D/30। तो हम पूरे की औसत गति लिख सकते हैं 2D/D/20 + D/30, वो बराबर होगा 2D/3D/60 + 2D/60, और 3D 2D मिला के हुआ 5D, तो हम लिख सकते हैं 2D/5D/60, और हम 5 को 60 से काट दे तो वो होगा 2D/D/12, और फिर हम डी से डी काटे तो हम लिख सकते हैं 2D/1/12, और फिर जब 12 नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम पूरे की औसत गति लिख सकते हैं 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे आने और जाने की कुल मिला के औसत गति हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। पांचवें प्रश्न में लिखा है कि हमने एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से धीरे से गिराया है। यदि इसका वेग समान रूप से 10 मीटर/सेकंड² के दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से जमीन पर टकराता है और वह कितने देर बाद जमीन पर टकराता है? तो हम गति की तीसरी इक्वेशन से लिख सकते हैं कि v² - u² = 2as है। अगर हमने इसे धीरे से छोड़ा या गिराया है तो हम लिख सकते हैं कि u = 0 और s हमें ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर की और एक्सेलरेशन है 10 मीटर/सेकंड² की। तो हम लिख सकते हैं v² - 0² = 2 × 10 × 20, जो कि बराबर होता है 400 के। तो इससे v² = 400, तो v = 20 मीटर/सेकंड मिलता है हमें, तो वह 20 मीटर/सेकंड की गति से टकराएगा जमीन से। और हम गति की पहली इक्वेशन से लिख सकते हैं कि v = u + at, तो v हमें दे रखा है 20 मीटर/सेकंड, ये हमने अभी ही निकाला है, और u हमें 0 दे रखा था और a 10, तो हम लिख सकते हैं 20 = 0 + 10t। तो हम 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो हमें t मिलेगा 2 सेकंड। अगला प्रश्न है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 m/s² है और शुरू होने के 10 सेकंड में कितनी दूरी वह तय करेगा, ये निकालना है। तो हम गति की दूसरी इक्वेशन से कह सकते हैं कि s = ut + ½at² होता है, और वह रेसिंग कार अगर शुरू ही करती है तो u होता है 0 और a हमें दे रखा है 4 m/s² और t हमें दे रखा है 10 सेकंड। तो हम s को लिख सकते हैं 0 + ½ × 4 × 10² जो कि बराबर होता है 200 मीटर के। तो शुरू होने के 10 सेकंड बाद वह रेसिंग कार 200 मीटर की दूरी तय करेगी। सातवां और आखिरी प्रश्न है कि एक प्रयोग के दौरान स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा जाता है जो 5 मिनट में ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचता है, और हमें निकालना है ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप के बीच में क्या दूरी है, और सिग्नल प्रकाश की गति से चलता है, तो हमें प्रकाश की गति दे रखी है 3 × 10^8 m/s। तो हमें सिग्नल पहुंचने में समय दे रखा है 5 मिनट और दूरी बराबर होती है गति मल्टीप्लाइड बाय समय यानी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और हमें गति दे रखी है 3 × 10^8 m/s। तो हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर होगी 3 × 10^8 m/s × 300 सेकंड, क्योंकि 5 मिनट बराबर होता है 300 सेकंड के। तो हम दूरी बोल सकते हैं 9 × 10^10 m। तो इसी के साथ हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के प्रश्न हल करने के बाद आपको यह विषय थोड़ा और स्पष्ट रूप में समझ आया होगा। तो इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।